कोविड-19 के इलाज के लिए वैक्सीन का होना बहुत जरूरी है, लेकिन यह एक कम स्तर की बात है। सिर्फ वैक्सीन से ही कुछ नहीं होगा, हमें अन्य तरह की दवाओं की भी जरूरत पड़ेगी, जैसे स्प्रे, इनहेलर या फिर गोलियां। हालांकि अरबों रुपए ऑपरेशन वॉर्प स्पीड के तहत दवा कंपनी को दिए गए हैं ताकि कोरोना के मामले को कम करने के लिए वो वैक्सीन बना सकें। लेकिन वैक्सीन से असली फायदा क्या है? सिर्फ इतना ही कि ये आपको कोरोना संक्रमण के बुरे असरों से बचाती है। इससे कोरोना ठीक नहीं होता, इसलिए अब वैज्ञानिक विकल्पों की तरफ जा रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ अब बेहतर एंटीवायरल ड्रग्स बनाने पर जोर दे रही है। सिर्फ कोविड-19 के लिए ही नहीं, बल्कि भविष्य में आने वाली अन्य महामारी से भी बचाने के लिए ये इलाज कर रहे हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार ने $13 बिलियन 22,243 करोड़ रुपए का निवेश अमेरिकी रेस्क्यू प्लान में करने का फैसला किया है, ताकि कोविड-19 महामारी के खिलाफ एंटीवायरल ड्रग्स को लेकर रणनीति बनाई जा सके।